हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट लिम्फेटिक कैपिलरीज। सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्या जाना था, लिम्फ क्या होता है, उससे पहले हमने जाना था लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है और सबक्लेवियन वेन के बारे में पूरा डायग्राम उसका हमने जाना था। सो लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ के सिस्टम में या लिम्फ का जो एक ट्रेवलिंग एरिया होता है, जो पाथवे है, तो वो कैसे कैसे चल रहा था, उसके लिए कुछ कैपिलरीज थी। कैपिलरीज आपस में मर्ज होके क्या बना रही थी, वेसल्स बना रही थी, क्योंकि लिम्फ स्पेशली उसकी लोकेशन कहाँ होती है, लिम्फ वेसल के अंदर। तो ये वेसल जो है आगे जाकर जब और ब्रांच्ड होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, लिम्फ कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब क्या हुआ, जो लिम्फ वेसल हैं वो अपना डायमीटर कम कर रही हैं और ज़्यादा ब्रांच्ड जो ट्यूबिंग बना रही हैं उनको हम बोल रहे हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, तो इनको हम जनरली क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक वेसल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका डायमीटर बहुत कम होता है। तो ये कैसी होती हैं, टाइनी थिन वॉल्ड वेसल होती हैं। ठीक है, ये टिनी थिन वॉल्ड मतलब इनकी जो वॉल होती है काफ़ी थिन होती है और टिनी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर लिम्फ ट्रेवल करता है, क्लोज एट वन एंड। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि केवल ये वन वे सर्कुलेशन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वॉल्स आपको देखना है तो ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यही आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी। ठीक है, इसके अंदर जो ये एरो दिखाई दे रहे हैं, ये एरो हमें क्या शो कर रहे हैं, ये एक तरह के वॉल्व्स हैं। ठीक है, जो किस लिए यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो लिम्फ के बैक फ्लो को रोक रहे हैं, लिम्फ के अंदर प्रेशर जनरेट करना, मतलब लिम्फ आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, जितनी भी मसल एक्टिविटी थी या ब्रीदिंग जितनी भी हो रही थी, तो जहाँ जहाँ पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू एक प्रेशर जनरेट हो रहा था और उसी प्रेशर के साथ जो है लिम्फ ये ट्रेवल कर रहा था अपनी वेसल्स के अंदर, या अपने जो पाथवे उसको डिसाइड किया दिया गया है उसके अंदर ट्रेवल करता रहता है। तो ये क्या होता है, एक ओर से बंद होता है और केवल वन वे इसका सर्कुलेशन होता है, वन वे साइड। ठीक है, मेन पर्पज़ इज़ टू ड्रेन एक्सेस ISF फ्रॉम अराउंड द सेल टू वेनस सर्कुलेशन। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि ये जो एक्सेस ISF होता है, एक्सेस ISF मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो एक्सेस अमाउंट में होता है उसको ड्रेन करने का काम करता है। और किसके आसपास होता है, जो वेनस सर्कुलेशन होता है, ये आर्टेरियल सर्कुलेशन के पास नहीं होता है। ठीक है, ये वेनस सर्कुलेशन के पास होता है, मतलब जिसमें जो वेस्ट या फिर इम्प्योर ब्लड रहता है जिसमें ट्रेवल करता है, उसके आसपास ये लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क प्रेजेंट होता है। वॉल मेड अप ऑफ इंडोथीलियम। ठीक है, तो इसकी इंटरनल वॉल्व जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, इंडोथीलियम सेल की। ये इंडोथीलियम सेल क्या होती हैं, जो भी सेल्स होती हैं उनका जो इंटरनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंडोथीलियम टिश्यू। ठीक है, हर सेल का, हर टिश्यू के अंदर वाली जो लेयर होती है, हर टिश्यू के सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं इंडोथीलियल सेल। तो इसकी वॉल किससे बनी होती है, इंडोथीलियल सेल, जो स्मूथ नेचर की होती हैं या सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, लार्जर इन डायमीटर, इनका डायमीटर जो होता है वो लार्जर होता है, अगर कंपेरिजन किया जाए लिम्फेटिक वेसल से तो उससे कम होता है, बट इनका डायमीटर अगर केवल कैपिलरीज में, केवल या जो वेनस सिस्टम की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इनका डायमीटर उनके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। एंकरिंग फिलामेंट होल्ड इंडोथेलियल सेल टू द नियर बाई टिश्यूज। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज ही होती हैं जो अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं किसके साथ, जो आसपास के टिश्यूज होते हैं। देखिए डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो येलो कलर के स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं, आपकी सेल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्लू कलर का ये न्यूक्लियस है। तो देखिए इसी के बीच में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पर शो नहीं किया गया है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में ये कैपिलरी प्रेजेंट है। ठीक है, जब सेल से डिऑक्सीडाइज ब्लड या जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है, जितना भी वेस्ट फ्लूइड रहता है वो ड्रेन किया जाता है, तो वन वे सर्कुलेशन के थ्रू ये लिम्फेटिक कैपिलरीज उसको सक कर लेती हैं और वेस्ट मटेरियल के तौर पर बॉडी से आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिम्फेटिक कैपिलरीज का नेटवर्क पूरा हर टिश्यू के बीच में, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यूज हों, चाहे वो स्केलेटल मसल के टिश्यू हों, हर जगह ये नेटवर्क इनका फैला हुआ रहता है। ठीक, लिम्फेटिक कैपिलरीज लैक्टियल्स। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज आपने जान लिया कि जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती हैं
उनके बीच में या फिर सॉफ्ट मसल के जितने टिश्यूज होते हैं उनके बीच में या कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क फैला रहता है। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज लैक्टियल्स का मतलब क्या हो गया, तो लैक्टियल्स स्पेशली कहाँ पर होते हैं, ये इनको नाम इसलिए अलग किया गया है क्योंकि इनकी साइट भी स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लैक्टियल वाली कैपिलरीज ये प्रेजेंट होती हैं म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। म्यूकोसा का मतलब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है इंटरनल वॉल, उस पर ये प्रेजेंट होती हैं। तो वहाँ पर ये काम क्या करती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं लैक्टियल के बारे में, ठीक है। तो अ लैक्टियल इज अ लिम्फेटिक कैपिलरी प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको इसीलिए कैटेगराइज किया गया है या डिफर किया गया है क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक साइट होती है और ये केवल उसी स्पेसिफिक साइट से ही लिम्फ को ड्रेन करती है, ठीक है। और कहाँ से ड्रेन करती है, म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हिस्टोलॉजी देखी जाए स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो सबसे इनर मोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विलाई, जिसे बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई क्या कर रहे थे, ये जितना भी फूड सप्लीमेंट होता है उनसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक। अब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया तो कुछ वेस्ट भी निकलता है, तो जो वेस्ट फ्लूइड निकलता है वो कहाँ जाता है, तो वो वेस्ट फ्लूइड होता है वो इन्हीं लैक्टियल कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या सक कर लिया जाता है और एज रिजल्ट उनको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट एब्जॉर्ब डाइट्री फैट्स एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या करती हैं लैक्टियल्स, ये डाइट्री फैट जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं केवल उन्हीं को ही ये एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो ये डाइट्री फैट को या लिपिड सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन की साइड से। लिम्फ हैज़ ए मिल्की कलर ड्यू टू द लिपिड कॉल्ड एज काइल, ठीक। तो लिम्फ का जो एक कलर होता है लैक्टियल वाले का, ठीक है, तो इस जगह पर मिल्की कलर का होता है, जैसे दूध का कलर होता है ना इस तरह का होता है कुछ वाइटिश का, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, काइल। और ये मिल्की कलर होता किस वजह से है, जब ये लिपिड को एब्जॉर्ब कर लेता है या लिपिड को सक कर लेता है, तो इस लिम्फ, वैसे तो लिम्फ का कलर कैसा होता है, वाटरी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बट जब इसमें लिपिड के विटामिन्स घुल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, काइल, ठीक है। तो अगर डायग्राम के थ्रू आपको समझना हो तो ये देखिए बाहर जो ये ब्लैक कलर के मार्किंग आपको दिखाई दे रही है ऐसे राउंड राउंड से स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई कहाँ पर होते हैं, जो इंटरनल म्यूकोसा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसी माइक्रोविलाई से जो आर्टरीज और वेंस होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनको खींचने का काम करती हैं, ठीक है। जितनी भी आर्टरीज होती हैं, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो जाके ब्लड में घुलता है, तो ब्लड में घुलता कैसे, स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, इन विलाइज को ऑर्डर दे दिया, तो वो क्या करते हैं, जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं उन सबको उन्होंने सेक कर लिया, किन्हें, किसने, विलाई ने, ठीक है, जिनको हम माइक्रोविलाई बोल रहे थे। अब इन विलाई के ऊपर क्या जुड़ी होती हैं, आर्टरीज तमाम सारी, ठीक है। अब इन्हीं से एब्जॉर्ब होके जो आर्टरीज रहती हैं उसके अंदर क्या है, ब्लड है, तो इन्हीं से एब्जॉर्ब होके आर्टरीज के थ्रू जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम में जाकर घुल जाते हैं। उसके अलावा इनके ऊपर एक और नेटवर्क रहता है जिसे बोलते हैं वेंस, ठीक है। आर्टरीज क्या है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स को घोल रही, बट वेंस क्या कर रही हैं, जो डीऑक्सीडाइज या वेस्ट मटेरियल है उसको ड्रेन करने काम कर रही हैं, और इसी वेंस वाले सिस्टम के थ्रू ये लैक्टियल्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये वेंस वाले सिस्टम के थ्रू एक तो ये लिम्फ को ड्रेन कर रहे हैं और दूसरा आर्टरीज के ऊपर भी जो लैक्टियल जुड़े रहते हैं ये क्या करते हैं, ये फैट्स को ड्रेन करते हैं, फैट्स को, और दूसरा लिपिड सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उनको ड्रेन करने का काम करते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, जो आर्टरीज और वेन का जो नेटवर्क है इस तरह से कॉम्प्लेक्स, ये देखिए अंदर दिखाई दे रहा है, इसी के बीच में ये लैक्टियल प्रेजेंट हैं जो अपने अलग अलग रोल को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो लोकेशन है इस तरह से डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दी, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्टोलॉजी की बात करें तो मैं आपको बता रहा था ना कि अंदर देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, ठीक है। इसकी इंटरनल अगर डिसेक्शन करके देखा जाए तो अंदर क्या है, इस तरह से रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं, और इन्हीं ग्रूव्स के ऊपर क्या है, माइक्रोविलाई इस तरह से अरेंज है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये इस तरह से माइक्रोविलाई यहाँ पर अरेंज है।
अब ये माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर अगर जूम करके देखा जाए तो क्या होगा, ये माइक्रोविलाई के स्ट्रक्चर आ गया, और इसी के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, आर्टरीज, ये ब्लू कलर के जो ट्यूबिंग आपको दिखाई दे रही है वेंस की हैं, और ये रेड कलर की आर्टरीज की, और इन्हीं आर्टरीज और वेंस के जंक्शन पे कौन जुड़ी हुई हैं, लैक्टियल्स। लैक्टियल क्या कर रही हैं, जो फैट और लिपिड सॉल्युबल विटामिन को ड्रेन करने का काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ड्रेन करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसीलिए इनका काम भी डिफरेंट है और साइड भी डिफरेंट से डिफरेंट है, इस वजह से इनका नाम रखा गया है लैक्टियल्स, ठीक है। और लैक्टियल्स का मतलब एक और हो गया, एक तो ये कलर इनका वाइट कलर का होता है, मिल्की वाइट कलर, ठीक है, और लैक्टियल नाम इनको इसीलिए दिया गया है क्योंकि वाइट कलर की हैं, और लैक्टा का मतलब होता है मिल्क, ठीक है, इसलिए इनका नाम दिया गया है लैक्टियल, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से एब्जॉर्प्शन करती हैं, या लिम्फ को किस तरह से ड्रेन किया जाता है, काइल किसे बोलते हैं, ठीक है, लैक्टियल और कैपिलरीज में क्या सिमिलर सा डिफरेंस होता है, इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ गए होंगे आई होप। नाउ थैंक यू।